ओ भाई ये क्या था रे? क्या था भाई? ये ले भाई, दिवाली पे बम ना बजे क्या फायदा है? समीर एक और बम रेडी है। पिछले बम पे तो शॉक्ड हो गया था भाई। तो अभी भाई मैं हेलमेट पहन लेता हूँ। मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा हुआ ना होगा। तो हेलो दोस्तों, भाई कैसे हो आप सब? और यहाँ भाई एक बार इसमें फ्यूल डलवा लेते हैं फिर निकलते हैं। और बाकी अपने वाली में तो फुल है, बस राज वाली में कम है। और राज एक बार फ्यूल डलवा लेता है फिर हैप्पी हिमालयन लेके आया है हमें भाई रॉयल इनफील्ड में। और हैप्पी के साथ साथ हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग। ओ सीधे हो जा, ज्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। और भाई अपना सूर्य भी सनराइज भी निकलने वाला है भाई जस्ट। और वहां जाके मैं सोच रहा हूँ, यस यस यस, कौन सो भाई हम अभी जा रहे हैं गोहाना की तरफ। गोहाना में विशु और विक्रम हमें मिल जाएंगे, फिर पटाखे वगैरह लेके आ होगा रे हैप्पी, फिर एक दो पटाखा वगैरह वहां पे बगाएंगे और वापस आ जाएंगे। सो हैप्पी दिवाली भाई आप सभी को, और राइड को एंजॉय करना, काफी मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि संडे हो और संडे को राइड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, मजा ही नहीं आता बिना राइड के। और इनका पता नहीं कितना तेल पीती है ये। सीसी भी कम, पेट्रोल भी कम, पंप भी कम। पता नहीं कितना तेल पीती है ये। सीसी भी कम, माइलेज भी कम, क्या दिया था इसको? क्या दिया था इसको? राज भाई ने बर्बाद किया। फाइनली सनराइज हो चुका है और हम सभी जो है वो हाईवे पे आ चुके हैं। अपने वाली बीस्ट अल्टीमेट परफॉर्म कर रही है क्योंकि 140 तक की स्पीड ये इजीली भाई आराम से पकड़ जाती है। R15 को तो पीछे छोड़ देती है भाई अपने वाली भागने में, जबरदस्त भागती है, क्या भागती है यार। और ये तो भाई है ही जबरदस्त। और सनराइज कितना प्यारा लग रहा है भाई देखने में, मजा आ रहा है सनराइज को देखने में। सुबह सुबह क्या फील, फ्रेश फील एकदम बिल्कुल। बस जो है कल के पोल्यूशन की वजह से हल्की सी वो तो हो रखी है। कल जो पटाखे वगैरह छुड़ाए ना तूने, कल जो तूने पटाखे वगैरह छुड़ाए ना, उसकी वजह से ये देख धुआं कैसे हो रखा है। पोल्यूशन गलत करते हो भाई, नहीं करना चाहिए पोल्यूशन आपको। कल वाली वीडियो में देख रहा, टी शर्ट हैप्पी फ्री दे देगा उसको एक। दिवाली दिवाली गिफ्ट है भाई हैप्पी की तरफ से, हैप्पी टी शर्ट फ्री दे रहा है। हैप्पी दिवाली बोल दो एक बार, चलो भाई सारे आपस में बोलो दिवाली। ओ भाई साहब, चूहा घुस गया इसमें। और ये हैप्पी पूरा जर्निंग करते हुए मजा ले रहा है भाई खूब राइड का, क्या बात है। चलो पकड़ते हैं राज को, पकड़ो भाई। चलो बीवी गवाना में ही मिलती है, सो कौन कौन खाना चाहेगा, क्या बोलते हो बताओ जल्दी जल्दी से भाई। मेरे को तो खानी है, मैं तो खाऊंगा। कहाँ रह गए, पीछे कहाँ रह गए? हर जगह लिखा हुआ है, कहीं महादेव जलेबी है, कहीं माथुराम हलवाई की जलेबी है, गोहाना जलेबी की वजह से फेमस है भाई। आज अपनी बाइक पे क्या डेकोरेशन करवाएं, दिवाली है तो इसकी तो कुछ ना कुछ करवानी बनती है, बताओ क्या करवाएं इसका।
चलो इसका रोहतक जाके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका प्यारी सी चीज़ लगवाएंगे इस पर कुछ ना कुछ, क्योंकि दिवाली है, दिवाली के दिन भाई इसको भी तो कुछ ना कुछ बनता है ना। जब हम नए कपड़े लेते हैं, हम मिठाई खाते हैं, तेल तो इसको पिला दिया हमने आज, तो इसको कुछ ना कुछ तो दिलाना पड़ेगा ना, अदरवाइज हमसे नाराज भी तो हो सकती है। हाँ बात तो सही है, नहीं बात तो सही है, कुछ ना कुछ लगवाना पड़ेगा इस पर, लगवाते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाते हैं इसकी यार, छोटा मोटा कुछ ना कुछ देखते हैं, जाके सोचते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं इस पर थोड़ी सी। ये विक्रम भाई का है, विक्रम पता नहीं कहाँ है, विक्रम सो रहा होगा अभी, विक्रम कहाँ दिवाली मनाएगा। चलो भाई बंदक चलते हैं, बीजू आ गया, हैप्पी दिवाली इसको मारने के बाद हैप्पी दिवाली देख रही थी इसको भाई दिवाली कौन है ये, कौन है ये दोस्त है? अरे दादा इसका स्प्रिंग कहाँ निकल गया? क्या चल रही है भाई दिवाली की चाय पार्टी, दिवाली की चाय? अरे भाई कैसे चल रहा है तू राज यार, इसका टेस्ट तो बढ़िया आई है, साथ बहुत बढ़िया मजा आ गया, जबरदस्त मजा आ गया ना, गिलास है ना भाई इसका टेस्ट है मेन, जो मिट्टी शरीर में जा रही है ना बहुत हेल्दी है। शाबाश, कृष्ण भी खाते थे मिट्टी तो हम भी खा लेंगे, मार बुड़का मार बुड़का, मार बुड़का केक की डाल बुड़का मार रहे हो सच में ही, मैं खा रही हूं। और सामने बाइक खड़ी है भाई, ये अपनी चाय की प्याली है, और साथ में रोड पे चलते हुए व्हीकल सीन की साउंड, क्या ही अल्टीमेट सुबह सुबह का नजारा दे रही है अल्टीमेट। चाय वगैरह लेने के बाद भाई हम भी निकल पड़ते हैं, और साथ है हमारे डुकाटी स्क्रैम्बलर भाई, रेयर पीस आए थे ये इंडिया के अंदर, मतलब लगभग 54 पीसीज आए थे ये, उनमें से एक हमारे ग्रुप के अंदर है। और चलो भाई विकास भाई के पास है ये, चलो चलते हैं अब, सो लेट अस गो। सो आज के दिन भी ऑफ रोडिंग सीजन का दिवाली वाले दिन भी है, ऐसी होती है भाई बाइकर्स की दिवाली तो। ये दिवाली वाले दिन भी चाहिए चाहिए इसको, अरे ओ भाई कोई नहीं, बालू वाली तो है, उठा 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 जल्दी उठा, नहीं चला गया तेरी की मिशन फेल्ड पुश। ओ भाई ये क्या था रे, क्या था भाई ये, ओ भाई ये ले भाई, दिवाली पे बम ना बजे क्या फायदा है, समीर एक और बम रेडी है पिछले बम पे तो शॉक्ड हो गया था भाई, तो अभी भाई मैं हेलमेट पहन लेता हूँ। ये यहाँ कैसे है भाई, अरे भाई साहब ओ भाई रुक जा तू, अरे भाई मेरे को लग रहा है ये भी कहीं ना कहीं बम की तरह, बम तो फूटा नहीं पट, ये कहाँ से कहीं ना कहीं गिर के जरूर फूटने वाला है, क्या ट्राई कर रहा था, बाकी अपनी रॉयल एनफील्ड है यार, रहनी तो नहीं चाहिए। अरे भाई साहब अरे गई 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 बैक 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 बैक, धीरे 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 हैप्पी वाले हिमालयन भी रहेगी भाई, हिमालयन भी रहेगी अपने वाली तो रहनी थी, खैर रॉयल एनफील्ड है इसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है ब्रो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कुछ चीज़ न कर पाए, वंस मोर ट्राई, अगर इसकी गई तो अपनी भी, इसकी तो गई भाई, अब बारी अपनी की, अपनी भी ये गई भाई, यार है ही नहीं कोई ऐसी चीज़ जो अपनी बाइक के लिए इम्पॉसिबल हो, बनी ही नहीं कोई ऐसी चीज़, क्यों भैया अभी ये देख कैसे देख रहे हैं बरो आपसे नहीं हो पाएगा, आपके पास रॉयल एनफील्ड नहीं है ना ये राजू भैया कैसे देख रहे हैं आर एस पे, उस साइड बीजू के टी एम वाला कैसे देख रहा है
चलो भाई चलते हैं। बाकी दिवाली जबरदस्त गई, ऑफ रोडिंग में मजा आ गया और अपने विकास भाई आगे चले गए भाई डुकाटी को लेके, एंड हैप्पी धीरे धीरे पीछे आ रहा है। क्यों भैया हैप्पी, बोला था ना यार कोई चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं भाई बुलेट के लिए, खतरनाक चीज़ है भाई, बवाल चीज़ है बुलेट, रियल टीम है यार, जबरदस्त चीज़ बनाई भाई रॉयल एनफील्ड वालों ने। इस साइड तो भाई मतलब मैं मानता ही नहीं भाई कि कोई रास्ता इस बाइक के लिए नहीं बना हुआ। और भाई ये सब होने के बाद भाई फिर हम अब यहाँ से विकास भाई के ऑफिस से अलविदा लेते हैं विकास भाई से, और फिर चलते हैं एक बार इसकी ड्यूक को उठा देता हूँ यार, हरामखोर कहीं भी खड़ी कर देता है, इसको लगाने नहीं आती बाइक कहीं भी खड़ी कर देता है, बड़ा हरामखोर बच्चा है। सो भाई इसी के साथ ये विकास भाई की डुकाटी स्क्रैम्बलर, इसको यहीं पे और विकास भाई को करते हैं बाय बाय और अपनी बाइक को निकालते हैं और चलते हैं वापस से रोहतक, क्योंकि दिवाली का दिन है यार, अब घर वालों के साथ ही दिवाली मनानी पड़ती है ना, सो इसलिए चलो चलते हैं और फिर गांव भी जाना है यार, लेट हो जाएंगे भाई। सो चलो फटाफट से निकल रहे हैं अभी धीरे 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 धीरे, और हाँ चल आ जा अभी सीधे निकलते हैं भाई, सिटी के अंदर से होके निकलेंगे। और ये भाई क्या नज़ारा है भाई गोहाना के अंदर, ये रोड इतना ज़बरदस्त बना दिया, मतलब बेहद ही खूबसूरत व्यू आता है यहाँ पे गोहाना का, हालांकि है तो साइड में ये मतलब नदी नहीं है, आप समझ सकते हो क्या है, बाकी जो व्यू है वो काफ़ी ज़बरदस्त आता है, रोड बिल्कुल बहुत ही प्यारा बना रखा है, लीन करने में बहुत मज़ा आता है। एंड भाई अभी मैं सोच रहा हूँ यार कि बाइक पे ना हल्की सी मॉडिफिकेशन करवा लेता हूँ मैं अपनी पे, हम चलते चलते आ चुके थे रोहतक, और रोहतक में आने के बाद मैंने सोचा यार कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाई जाए बाइक पे, क्योंकि यार अगर दिवाली पे हर जगह सजावट होगी अगर बाइक का कुछ काम ना हुआ तो मज़ा नहीं आता। फिर मैंने जो अपनी बाइक पे भाई हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करवा ली और मॉडिफिकेशन करवा के निकलता हूँ। अब मॉडिफिकेशन मैंने क्या क्या करवाया है, मैंने छोटी मोटी चीज़ें करवाई हैं इस पे, कुछ स्टिकरिंग वगैरह का वर्क कुछ खास तो हुआ नहीं है, बट हाँ इसके इंडिकेटर्स ब्लैक किए हैं, पीछे वाली लाइट को जो है वो ब्लैक किया है, आगे वाली जो फ्रंट में अपनी हेडलैम्प होते हैं उस पर हल्का फुल्का सा काम हुआ है। सो भाई इसी के साथ साथ हम भी अब घर निकलते हैं, अब घर पे भी जो है भाई दिवाली पूरी अपना त्यौहार है, सो भाई सारा पैकअप करते हैं और गांव में जाना है भाई, उसी के साथ साथ भाई वहाँ पे जोत वगैरह भी लगा के आनी है और गांव के घर पे जो है दिए भी लगा के आने हैं, सो बिना किसी देरी के हम भी चलते हैं भाई। और ये कुछ भाई अपने रोहतक का नज़ारा है, मतलब रात में तो ज़बरदस्त नज़ारा था, अगर रात वाला व्लॉग नहीं देखा आपने तो मैंने वो चैनल पहले ही डाल दिया था दिवाली से पहले, मे बी अगर ये जो व्लॉग है ये शायद मेरा दिवाली के को काफ़ी दिनों बाद ही आपको जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि यार दिवाली के बाद जो है मेरे को कहीं एक अर्जेंट वर्क पे जाना है, सो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा भाई वीडियो एडिटिंग करने का, इसलिए भाई थोड़ा सा अवॉइड करना है इस चीज़ को, कहीं आप बोलो कि भाई ये दिवाली के बाद क्यों डाल रहा है इस व्लॉग को, तो यार बना है तो डालना तो बनता है ना। सो चलो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के अंदर, इसके अंदर बाय।